लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। भक्तों, आज हम श्री राम भक्त हनुमान जी की अनेकों लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं कि राम भक्त हनुमान ने किस प्रकार से अपने राम भक्त होने का प्रमाण दिया है और सुंदरकांड में हनुमान जी की अनेकों ही लीलाओं का बड़े विस्तार से वर्णन मिलता है। भक्तों, संकट मोचन हनुमान जी की कथा सुनने मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण होता है। भक्तों, तो आइए आज हम भी हनुमान जी की उन्हीं लीलाओं का कुछ वर्णन करेंगे। बोलिए सियावती रामचंद्र की, बोलिए पवन सुत हनुमान की। हनुमान बजरंग बलकारी, इनकी महिमा सबसे न्यारी। राम भक्त हैं बड़े निराले, ऐसे भी भोले भाले। माँ सीता के पास में आए, देखा रही सिंदूर लगाए। माँ सीता से लगे पूछने, माँ सीता उनसे लगी कहने, ये सिंदूर लगाया मैंने। रखती हूँ जो इसे लगा कर, हनुमान ने निश्चय किया है, ये सिंदूर तो थोड़ा सा है, अपने पूरे देह में रंग लूं। भक्तों, हनुमान जी की इन्हीं लीलाओं में से एक प्रसंग है कि माता सीता अयोध्या में आईने के सामने बैठी श्रृंगार कर रही थी, तो उन्होंने चुटकी भर सिंदूर लेकर अपनी मांग में सजाया। हनुमान जी देख रहे थे, उन्होंने कहा, हे माता सीता, ये आपने अपनी मांग में लाल लाल क्या लगाया है? तब माता सीता उनसे कहने लगी, पुत्र हनुमान, ये सिंदूर है जो मेरे सुहाग की निशानी है, इसे लगाने से तुम्हारे प्रभु श्री राम बड़े ही प्रसन्न होते हैं। जब हनुमान जी ने मन में सोचा कि अगर चुटकी भर सिंदूर मात्र से ही श्री राम प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, तो मैं भी राम प्रभु को अत्यंत ही प्रसन्न करूंगा। माँ सीता ने लगा लिया जो थोड़ा सा सिंदूर ही, वो मैं भी उन्हें खुश देखना चाहूँ। सिंदूर ना थोड़ा लगाऊं, लेकर के सिंदूर वो आए और देह पर लिया लगाए। होंगे प्रभु इस प्रसन्न देख कर, लगे पूछने, तुमने क्यों सिंदूर लगाया? माँ सीता ने बताया, वो थोड़ा सिंदूर लगाए, प्रसन्न आप तब ही हो जाए। आप रहे प्रभु सदा ही प्रसन्न, सिंदूर से तन। भक्तों, हनुमान जी की इतनी बात सुनकर माता सीता और प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे और प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि हनुमान जी, जो भी आपको श्रद्धा भाव से सिंदूर चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसी दिन से भक्तों, हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है, इसीलिए हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। भक्तों, सिया राम से वर है पाया, जाए तभी सिंदूर चढ़ाया। जो भी इन्हें सिंदूर चढ़ाते, राम प्रभु का ही वरदान है, तब करते सिंदूर स्नान है। अपने प्रभु को सब कुछ माने, सिंदूर चढ़ाने मुख से राम राम ये कहते, सेवा में सदा तत्पर रहते। राम भक्त हनुमान है, बड़ा सम्मान है राम प्रभु।
प्रभु की काज सवारे, भाई है भरत बराबर प्यारे, भक्तों के है सदा सहाय। भक्तों इसी प्रकार एक बार हनुमान जी ने भीम बलि के अभिमान को चूर किया था। बात उस समय की है जब भीम को अपनी शक्ति पर बड़ा ही अभिमान हो गया था। वो अपनी शक्ति के बल में चूर होकर बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़काने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझसे शक्तिशाली कोई भी योद्धा नहीं होगा। तब हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में उनके रास्ते में आ गए भक्तों, और रास्ते में अपनी पूंछ को फैला लिया। भीम उन्हें देखकर कहने लगा, कौन हो तुम हे वृद्ध से वानर, यूं बैठे हो पूंछ फैला कर, मेरे लिए रास्ता छोड़ो। भीम से आपने इतना ही कहा, मेरी हो गई वृद्धावस्था, पूंछ हो गई मेरी भारी, तुम तो लगते बड़े बलवान हो, बड़ा ही मुझ पर ये एहसान हो, पूंछ को तुम तो मेरी उठा दो, आसान हो। भीम को दया वानर पे आई, जो ही पूछ उठानी चाहे अपना बल पूरा लगा दिया, पूछ नहीं गई किंतु हिलाई। भक्तों भीम ने वृद्ध वानर की पूछ को उठाने के लिए अपना सारा बल लगा दिया, किंतु भीम उनकी पूछ को जरा भी हिला ना पाया। भीम बलि को बड़ी ही लाज आई, उसका सारा अभिमान एक ही पल में चूर हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि ये कोई साधारण वानर तो हो नहीं सकता, अवश्य ही ये कोई महात्मा या स्वयं प्रभु का सेवक है जो मेरा अभिमान दूर करने के लिए ही आया है। भीम बलि हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगा। भीम बोले हाथ जोड़कर, आप नहीं साधारण वानर, कृपा करके मुझको बतलाइए, असली रूप दिखाइए, अभिमान जो मुझे हुआ है उसे आपने दूर किया है, मैं तो आपको शीश झुकाऊं, असली रूप देखना चाहूं। आपने अपना रूप दिखाया, भीम बलि ने शीश झुकाया, बोले राम भक्त हनुमान हो, अभिमान वश हुआ है जो भी, भूल की मैं चाहता हूँ माफी, भीम ने जो की क्षमा याचना। तो भक्तों इस तरह से हनुमान जी महाराज ने भीम बलि का अभिमान दूर किया। इसी प्रकार एक बार अर्जुन को भी अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का अभिमान हो गया। एक बार विचरण करते करते वो एक नदी के तट पर आए और नदी के उस पार जाने की इच्छा से अपना गांडीव निकालकर नदी पर वानों का पुल बना दिया। अपनी ही बनाए पुल को देखकर अर्जुन बड़े ही हर्षित हुए। उन्होंने सोचा, जब मैंने इस नदी के ऊपर इतना मजबूत पुल बना दिया तो श्री राम तो मुझसे भी अच्छे धनुर्धर थे। उन्होंने सागर के ऊपर पत्थरों से सेतु क्यों बनाया, यदि वो चाहते तो बाणों का भी पुल बना सकते थे। उनको मन ही मन शंका होने लगी, क्या श्री राम मुझसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन के मन का हाल जानकर हनुमान जी वानर के रूप में उनके समक्ष आते हैं और कहते हैं, हे वीर धनुर्धर, आपने बड़ा ही मजबूत पुल बना दिया। तब अर्जुन अपनी ही बड़ाई करने लगे और बोले, श्रेष्ठ हूँ वानर मैं धनुधारी, देख ले तुमने शक्ति हमारी, ऐसा है सेतु मैंने बनाया, आज तक कोई
सकते थे वो तो लंका, जब लंका पर करी चढ़ाई। अभी मान अर्जुन को हुआ है, हनुमान ने जान लिया है, दूर अहम करने की खातिर उनके पास में आकर। भक्तों, अर्जुन का ये अभिमान देखकर हनुमान जी उनसे आकर कहने लगे, अर्जुन वास्तव में श्री राम जी आपसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो वो भी आपकी तरह सागर पर बाणों का सेतु बना सकते थे, किंतु उनकी सेना में बहुत ही शक्तिशाली वानर थे, बाणों का सेतु उनका भार ही नहीं सह पाता, फिर लंका पर चढ़ाई कैसे कर सकते थे। हनुमान जी की बात सुनकर अर्जुन कहने लगे, ये देखो मैंने वाणों का इतना मजबूत सेतु बनाया है कि इसके ऊपर से श्री राम जी की सारी सेना भी गुजर जाती तो भी इसका कुछ ना बिगड़ता। तब हनुमान जी बोले, नहीं नहीं धनुर्धर, ये सेतु तो मुझ अकेले वानर का भार भी नहीं उठा सकता, फिर भला श्री राम जी की वानर सेना कैसे इसके ऊपर से गुजर सकती थी। अर्जुन कहने लगे, यदि ऐसा है तो तुम इस सेतु को तोड़कर दिखाओ। हनुमान जी जैसे ही उस सेतु के ऊपर खड़े हुए, तिनके की तरह टूटकर बिखर गया। तब अर्जुन हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, चूर मेरा अभिमान किया है आपने, ये एहसान किया है पर नहीं आप है, मन में मेरे पश्चाताप है, रूप आपका जान न चाहता, शीश झुकाता। हनुमान कहने लगे, अर्जुन जान न चाहता है तो फिर सुन, तुमसे भी ना मैं अनजान हूँ, तो हनुमान जो अपना है रूप दिखाया, अर्जुन ने फिर शीश झुका और चरणों में किया प्रणाम है, ऐसे राम दूत हनुमान है। तो भक्त जनों, इस तरह हनुमान जी की अनेकों अनेकों लीलाएं हैं, जिनमें से कुछ लीलाओं का हमने यहाँ वर्णन किया है। आशा करते हैं कि आपको राम भक्त हनुमान की लीलाओं का वर्णन पसंद आया होगा। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा के साथ मेरे साथ बोलिए, सियापति रामचंद्र की, बजरंग बली हनुमान की जय। जो मंगल का व्रत करते भव से तर जाती है, जो मंगल का व्रत करते भव से तर जाती है, आओ मंगलवार की व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, आओ मंगलवार की व्रत की पावन कथा सुनाते। किसी नगर में एक ब्राह्मण पत्नी के संग रहता, हनुमान की पूजा करता, मंगल का व्रत करता, नहीं कोई संतान थी मन में दुख वो पाती है, नहीं कोई संतान थी मन में दुख वो पाती है, आओ मंगलवार की व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, आओ मंगलवार की व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। आ,
के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। छाई हनुमान जी दर्शन देनी स्वयं ही आते
सुनाते हैं। उसका नाम फिर मंगल कारक दीन हा। इसी बीच ब्राह्मण वन से फिर लौट के आते हैं। आओ मंगलवार के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। ब्राह्मण ने जब अपनी आंखों चमत्कार ये देखा, मान गया हनुमत की कृपा मन से भक्ति करता। रात को उसके स्वप्न में हनुमत दर्श दिखाते हैं। आओ मंगलवार की व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। हनुमत ने बतलाया, ब्राह्मण
गौरी की व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चार बोधिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार मान।
हृदय बसाऊं सुरभु श्री बजरंग बली बलकारी महारुद्र के महा अवतारी अंजनी माँ के तुम हो दुलारे कांधे मूंज जनेयू साजे हाथन में है गदा विराज तन पे लाल लंगोटा धारे वज्र देह अर तन है विशाला बलि बजरंगी हनुमत बाला है प्रसिद्ध इनकी गाथाएं काल नेम की कथा सुनाऊं कैसे मारा ये बतलाऊं रामायण की गाथा प्यारी राम चरण का ध्यान धरो लो बजरंग का नाम गाथा प्रारंभ करता हूँ करके राम गुण गान बोलो राम जय श्री राम बोलो जय जय श्री हनुमान लंका पहुंची राम की सेना युद्ध तैयारी करती सेना लक्ष्मण मेघनाथ दो योद्धा धरती अंबर दसों दिशाएं दोनों का बल देखते जाएं दोनों एक दूजे पर भारी तीर चले चलती है बरछी मेघनाथ बड़ा चली ओ कपटी माया युद्ध वो करता जाए मेघनाथ ने शक्ति चलाई भूमि गिरे श्री राम के भाई भारी मूर्छा उन पर छाई प्रभु राम ने गोद में लीने लखन उठाए कैसी घड़ी ये जीवन में प्रभु राम के आए श्री राम बोलो जय जय श्री हनुमान विभीषण जी फिर सन्मुख आए वैद को लाओ वही बताए हनुमत जल्दी से तुम जाओ हनुमान जी वैद को लाए वैद जी नाड़ी देख बताए दूर हिमालय जाना होगा बस पहले काम ये करना लक्ष्मण नहीं बचेंगे वरना दूर हिमालय कौन जाएगा हनुमान जी सन्मुख आए राम चरण में शीश नवाए बूटी लेकर मैं आऊंगा देर करो ना अब जल्दी जाओ तुम हनुमान अब से तुम्हारे हाथों में तेरे राम के प्राण बोलो जय जय श्री हनुमान बोलो राम जय श्री राम बोलो जय जय श्री हनुमान बोलो राम जय श्री राम बोलो जय जय श्री हनुमान रावण दल में खुशियां भारी लखन मरण की थी तैयारी सुबह लक्ष्मण मर जाएगा तभी दूत ने आ बतलाया हनुमान के विष समझाया बूटी लाने वो जाते हैं काल नेम को फिर बुलवाया और उसे सब कुछ समझाया रूप बदल मारग में जाना हनुमत लक्ष्मण मर जाएंगे आधा युद्ध हम जीत जाएंगे
कर राम का नाम। आते राम नाम सुनकर रुक जाते, काल ने मिसाधु बन आया, राम के नाम बनाया। काल ने मिके सन्मुख आए, साधु देखा शीश नवाए, आओ हनुमत यहाँ पे बैठो। हनुमान जी थे चकराए, ये सब जानता अचरज पाए, राक्षस कहे हम अंतर्यामी, जाओ पहले स्नान कर आओ, फिर थोड़ा सा भोजन पाओ, मैं यही बूटी मंगवा दूंगा, आज तुम्हारा सब कर दूंगा। ताल में उसने छोड़ा था ग्राह एक विशाल, सोचा ग्राह बन जाएगा हनुमान का काल। बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान, बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान। बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान। हनुमान बातों में आए, राम नाम सोचा ये गाए, फिर तो सच्चा भगत ये होगा, आज हमारा ये कर देगा। जो ही ताल में स्नान को जाए, ग्राह उन्हें खाने को आए, मुख के बीच से चीर था डाला, चमत्कार हुआ ये निराला। ग्राह से एक अप्सरा निकली, काल ने मिका सत्य बताई, चरणन में फिर शीश नवाया, हनुमत सारा सच थे जाने, चल दिए असुर को मजा चखाने, स्नान ध्यान करके सब आए, जीवित देखा हनुमत को, असुर चौंक ही जाए, कैसे बच गया ग्राह से सोचने वो लग जा। बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान। विष से भरे फल इसको दूंगा, जहर खिला इसे मार ही दूंगा, आओ हनुमत भोजन पाओ, पाना कानी असुर था करता, मरता वो बेचारा क्या करता, लगे हाथ और पैर कांपने, हनुमत ने फिर पूंछ लपेटा, और उठा भूमि पर पटका, मार गदा थे प्राण निकाले, राक्षस ने प्रभु नाम थकाया, इसीलिए मुक्ति फल पाया, काल ने मिको मार गिराया, उड़कर हनुमत पहुंच गए दूर हिमालय धाम, राम काज की ने बिनु मोहि कहां विश्राम। बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान। बूटी हनुमत समझ न पाए, सारा पर्वत लिए उठाए, संजीवन बूटी ले आए, वैद्यराज ने घोल बनाया, लक्ष्मण जी को था पिलवाया, बूटी पी कर लखन जी जागे, प्रभु राम, राम ने हनुमत गले लगा।
गाए, भाई भरत के सम बतलाए, तू है मेरा भगत निराला। चंदन तिलक ने महिमा गाए, हे हनुमान जी रह न सहाय, भक्तों पे कृपा बरसाना। लाल देह लाली लसे हर उधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। जय वीर बलि हनुमान, संकट काटो दया निधान। जय जय वीर बलि हनुमान, संकट काटो दया निधान। जय जय वीर बलि हनुमान, संकट काटो दया निधान। जय जय वीर बलि हनुमान, संकट काटो दया निधान। संकट मोचन तेरा नाम, पावन बाला तेरा धाम। संकट मोचन तेरा नाम, पावन बाला तेरा धाम। संकट मोचन तेरा नाम, पावन बाला तेरा धाम। राम के सेवक बड़े महान, संकट काटो दया निधान। राम के सेवक बड़े महान, संकट काटो दया निधान। जय 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 श्री राम, जय जय श्री हनुमान। सा और नहीं बलवान, तुम हो सकल गुणों के खान। तुम सा और नहीं बलवान, तुम हो सकल गुणों के खान। तुम सा और नहीं बलवान, तुम हो सकल गुणों के खान। तुम सा और नहीं बलवान, तुम हो सकल गुणों के खान। मन में बसते सीताराम, कहता है ये जगत तमाम। मन में बसते सीताराम, कहता है ये जगत तमाम। मन में बसते सीताराम, कहता है ये जगत तमाम। जय जय वीर बलि हनुमान, संकट काटो दया निधान। जय जय वीर बलि हनुमान, संकट काटो दया निधान। जय 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 श्री राम, जय जय श्री हनुमान। बुद्धि के तुम हो दाता, राम चरण से तुम्हारा नाता। बल बुद्धि के तुम हो दाता, राम चरण से तुम्हारा नाता। बल बुद्धि के तुम हो दाता, राम चरण से तुम्हारा नाता। बल बुद्धि के तुम हो दाता, राम चरण से तुम्हारा नाता। भक्तों के तुम भाग्य विधाता, राम भजन बिन कुछ नहीं भाता। भक्तों के तुम भाग्य विधाता, राम भजन बिन कुछ नहीं भाता। भक्तों के तुम भाग्य विधाता, राम भजन बिन कुछ नहीं भाता। जय जय वीर बलि हनुमान, संकट काटो दया निधान। जय जय वीर बलि हनुमान, संकट काटो दया निधान। जय 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 श्री राम, जय जय श्री हनुमान।
धन्य धन्य है अंजनी लाल तेरी महिमा अजब कमाल। धन्य धन्य है अंजनी लाल तेरी महिमा अजब कमाल। धन्य धन्य है अंजनी लाल तेरी महिमा अजब कमाल। पवन वेग सी तेरी चाल थर थर कांपे तुमसे काल। पवन वेग सी तेरी चाल थर थर कांपे तुमसे काल। पवन वेग सी तुम्हारी चाल थर थर कांपे तुमसे काल। पवन वेग सी तेरी चाल थर थर कांपे तुमसे काल। जय जय वीर बलि हनुमान संकट काटो दया निधान। जय 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 श्री राम जय जय श्री हनुमान। जय 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 श्री राम जय जय श्री हनुमान। जहाँ पे गूंजे राम का नाम वहाँ मिलेंगे श्री हनुमान। आप गूंजे राम का नाम वहाँ मिलेंगे श्री हनुमान। जहाँ पे गूंजे राम का नाम वहाँ मिलेंगे श्री हनुमान। कृपा करते कृपा निधान भक्ति इनकी सबसे महान। कृपा करते कृपा निधान भक्ति इनकी सबसे महान। कृपा करते कृपा निधान भक्ति इनकी सबसे महान। जय जय वीर बलि हनुमान संकट काटो दया निधान। जय जय वीर बलि हनुमान संकट काटो दया निधान। जय 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 श्री राम जय जय श्री हनुमान। तेरी कृपा से ज्ञान है जागे तेरे सुमिरन में प्रीति लागे। तेरी कृपा से ज्ञान है जागे तेरे सुमिरन में प्रीति लागे। तेरी कृपा से ज्ञान है जागे तेरे सुमिरन में प्रीति लागे। तेरी कृपा से ज्ञान है जागे तेरे सुमिरन में प्रीति लागे। शत शत नमन करूं तेरे आगे दोष कष्ट सब दूर है भागे। शत नमन शत शत नमन करूं तेरे आगे दोष कष्ट सब दूर है भागे। शत नमन करूं तेरे आगे दोष कष्ट सब दूर है भागे। जय जय वीर बलि हनुमान संकट काटो दया निधान। जय जय वीर बलि हनुमान संकट काटो दया निधान। जय 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 श्री राम जय जय श्री हनुमान। राम नाम की जपता माला बजरंगी मेरा हनुमत बाला। राम नाम की जपता माला बजरंगी मेरा हनुमत बाला। राम नाम की जपता माला बजरंगी मेरा हनुमत बाला। राम नाम की जपता माला बजरंगी मेरा हनुमत बाला। राम नाम की ओढ़ चदरिया राम चरण में डेरा डाला। राम नाम की ओढ़ चदरिया राम चरण में डेरा डाला। राम नाम की ओढ़ चदरिया राम चरण में डेरा डाला। राम के सेवक बड़े महान संकट काटो दया निधान। जय जय वीर बलि हनुमान।
जय 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 श्री राम, जय जय श्री हनुमान। राम नाम में हो मतवाला, नाच रहा अंजनी का लाला। राम नाम में हो मतवाला, नाच रहा अंजनी का लाला। राम नाम में हो मतवाला, नाच रहा अंजनी का लाला। राम नाम में हो मतवाला, नाच रहा अंजनी का लाला। रूप तुम्हारा बड़ा विशाला, सबके दुखड़े हरने वाला। तुम्हारा बड़ा विशाला, सबके दुखड़े हरने वाला। रूप तुम्हारा बड़ा विशाला, सबके दुखड़े हरने वाला। जय जय वीर बलि हनुमान, संकट काटो दया निधान। जय जय वीर बलि हनुमान, संकट काटो दया निधान। जय 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 श्री राम, जय जय श्री हनुमान। तेरे अद्भुत खेल निराले, पल में क्या से क्या कर डाले। तेरे अद्भुत खेल निराले, पल में क्या से क्या कर डाले। तेरे अद्भुत खेल निराले, पल में क्या से क्या कर डाले। तेरे अद्भुत खेल निराले, पल में क्या से क्या कर डाले। भक्त जनों के तुम रखवाले, खोलते हो किस्मत के ताले। भक्त जनों के तुम रखवाले, खोलते हो किस्मत के ताले। भक्त जनों के तुम रखवाले, खोलते हो किस्मत के ताले। राम के सेवक बड़े महान, संकट काटो दया निधान। जय जय वीर बलि हनुमान, संकट काटो दया निधान। जय 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 श्री राम, जय जय श्री हनुमान। आए हैं हम शरण तुम्हारी, रखना हनुमत लाज हमारी। आए हैं हम शरण तुम्हारी, रखना हनुमत लाज हमारी। आए हैं हम शरण तुम्हारी, रखना हनुमत लाज हमारी। आए हैं हम शरण तुम्हारी, रखना हनुमत लाज हमारी। महिमा गाते सब नर नारी, तुम सा ना कोई हितकारी। महिमा गाते सब नर नारी, तुम सा ना कोई हितकारी। महिमा गाते सब नर नारी, तुम सा ना कोई हितकारी। जय जय वीर बलि हनुमान, संकट काटो दया निधान। जय जय वीर बलि हनुमान, संकट काटो दया निधान। जय 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 श्री राम, जय जय श्री हनुमान। हंसराज तेरा गुण गाए, चरणों में तेरे शीश झुकाए। हंसराज तेरा गुण गाए, चरणों में तेरे शीश झुकाए। हंसराज तेरा गुण गाए, चरणों में तेरे शीश झुकाए। हंसराज तेरा गुण गाए, चरणों में तेरे शीश झुकाए। जिस
पे तू कृपा बरसाए, उसका सफल जीवन हो जाए। जिस पे तू कृपा बरसाए उसका सफल जीवन हो जाए। राम के सेवक बड़े महान, संकट काटो दया निधान। राम के सेवक बड़े महान, संकट काटो दया निधान। जय 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 श्री राम, जय जय श्री हनुमान। जय 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 श्री